हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में। मोबाइल का जो बैटरी है आपने देखा होगा, जो कि पुराना मोबाइल होता था, अभी तो नॉन रिमूवेबल बैटरी आ रहा है, लेकिन जो रिमूवेबल बैटरी आता था उसमें क्या होता था कि तीन या फिर चार टर्मिनल होते था। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो नॉर्मल बैटरी होता है उसमें दो टर्मिनल आता है, लेकिन जो मोबाइल का बैटरी होता है उसमें तीन और चार टर्मिनल क्यों आता है। ठीक है, और जो तीन और चार टर्मिनल आता है तो उन तीन और चार का काम क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कि नॉर्मल बैटरी हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई 9 वोल्ट का बैटरी हो, या फिर छोटा जो कि सेल हो, जो कि आपके रिमोट वगैरह में लगता हो, या फिर आपका इन्वर्टर का बैटरी हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। ठीक है दोस्तों, या फिर आप गाड़ी में भी देख लीजिए, आप किसी भी बैटरी को देखिए, उसमें आपको दो ही टर्मिनल मिलता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। ये इसलिए क्योंकि हमें पता है जो कि डीसी होता है, ठीक है, जो कि डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और डीसी में हमें सिर्फ दो ही टर्मिनल मिलता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। लेकिन एसी में हमें तीन फेज या डबल फेज मिल सकता है, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी में सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। मोबाइल का बैटरी होता है उसमें तीन और चार टर्मिनल क्यों आते हैं, जबकि जो कि बैटरी होता है उसमें दो ही टर्मिनल आता है। तो यानी कि जो तीन टर्मिनल होता है उसमें एक होता होगा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो तीसरा पॉइंट वो क्या है, और जो चार टर्मिनल वाला है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो दो एक्स्ट्रा होता है वो क्या है, वो सब अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर इसका कुछ टर्मिनल होता है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टर्मिनल इसका होता है, और यहाँ पर कंपनी ने नोटिफाई किया होगा, ये होगा आपका आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, लेकिन ये जो बीच वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल ये क्या होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनल है ये कौन सा टर्मिनल है जो बीच वाला है। तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं BSI, ठीक है, इसका हम बोलते हैं BSI, यानी कि बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो जो BSI है, B फॉर बैटरी, S फॉर स्टेटस, I फॉर इंडिकेटर, ये बैटरी का स्टेटस क्या है उसी को ये इंडिकेट कर, इसका काम क्या होता है, बैटरी का स्टेटस क्या है, आपने जो बैटरी यूज़ किया है वो किस टाइप का बैटरी है, इसका पावर कितना है, ठीक है, इसका वोल्टेज और करंट कितना लोड पर जा रहा है, ठीक है। अगर आपका बैटरी हो गया समझ लो 2000 mAh का, तो ये बैटरी जो मोबाइल होता है उसको कैसे पता चलता है, तो वो सब ये BSI से पता लगाता है। BSI उसको जो प्रोसेसर होता है मोबाइल का उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि बैटरी किस टाइप का है, बैटरी में कितना पावर है, और बैटरी जब वर्किंग कर रहा है तो कितना करंट वो आपको लोड दे रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये आपको सब कुछ शो करता है अपने मोबाइल में। और जब भी आप चार्ज करते हो तो ये भी शो करता है कि बैटरी अभी चार्ज हो रहा है और इतना परसेंट चार्ज हो गया है, ठीक है। और जब भी बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाता है तभी भी इंडिकेटर आपको देता है, वो सब होता है इस BSI के मदद से, ठीक है। और भी क्या काम करता है, आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप बैटरी का स्टेटस चेक करोगे मोबाइल में तो वहाँ पर ये दिखाएगा कि आपका बैटरी अभी कितना परसेंटेज चार्ज है और कितने दिन तक, कितना घंटा तक ये चल सकता है, वो सब भी वो BSI की मदद से ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेटस का इंडिकेटर देता है, लेकिन इसका और भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है जो कि पहले मोबाइल में आता था, जब हम पहले का मोबाइल यूज करते थे, जो कि छोटा छोटा मोबाइल आता था जहाँ पर हमें रिमूवेबल बैटरी मिलता था, तो वहाँ पर हम कुछ टाइम क्या करते हैं कि बिना स्विच ऑफ किए बैटरी को निकाल देते हैं, तो वहीं पर BSI का बहुत ही बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टर्मिनल होता है, जो BSI का जो पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि ये थोड़ा सा अंदर की ओर ढकेला हुआ होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं तीन पिन पर, अगर आप मोबाइल पर इसको कनेक्ट करोगे तो ये हो गया इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये जो बीच वाला टर्मिनल होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, या फिर यहाँ पर जो टर्मिनल होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि अंदर की ओर होता है। जब भी आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो पहले क्या होगा,
नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट होगा, उसके बाद ये वाला टर्मिनल कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप बैटरी को रिमूव करोगे तो पहले ये वाला टर्मिनल रिमूव होगा, ठीक है, पहले ये वाला टर्मिनल रिमूव होगा, उसके बाद ये दो पॉइंट रिमूव होगा। तो कंपनी ने इसको इस तरह डिजाइन क्यों किया, क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को बिना स्विच ऑफ के बैटरी को निकाल देते हैं, तब क्या होता है कि मोबाइल भी ख़राब हो सकता है या फिर मोबाइल में जो भी डाटा स्टोर है वो सब डिलीट हो सकता है। तो कंपनी ने यहाँ पर ये जो BSA टर्मिनल है इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इसीलिए ताकि जब भी हम बैटरी को रिमूव करें बिना स्विच ऑफ किए तो ये जो पॉइंट है ये पहले रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये दो पॉइंट रिमूव होगा। तो जब भी ये जो पॉइंट रिमूव होता है तभी ये सिग्नल प्रोसेसर को चला जाता है कि बैटरी जो है रिमूव होने वाला है। तो प्रोसेसर क्या करता है, बैकग्राउंड में जो भी वो वर्क कर रहा होता है उन सबको बंद कर देता है, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उन सबको स्टोर कर लेता है, ठीक है, और मोबाइल को ये सेफली स्विच ऑफ भी कर देता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं चार टर्मिनल वाले बैटरी का काम क्या होता है। तो पहले मैंने आपको बता दिया एक टर्मिनल होता है इसका पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का, ठीक है, और क्या होता है कि BSI का होता है। तो BSI जो नेगेटिव के पास जो टर्मिनल होता है इसे हम बोलते हैं BSI, ठीक है। जो ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव के पास होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं BTEMP, ठीक है। यह हो गया BSI जो कि बैटरी स्टार्टस इंडिकेटर होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो ये वाला टर्मिनल है इसे हम बोलते हैं BTEMP यानी कि बैटरी टेम्परेचर। जो ये वाला टर्मिनल है ये क्या करता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है, बैटरी कितना हीट हुआ है, वो सब बताता है किसको, प्रोसेसर को, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका मोबाइल शो करता है कि बैटरी का टेम्परेचर इतना है, बैटरी का टेम्परेचर हाई हो गया है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है, तो बैटरी के अंदर क्या होता है कि एक थर्मिस्टर होता है, ठीक है, तो इसमें से एक पॉइंट आकर के यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि स्टेटस इसको देता है बैटरी का टेम्परेचर कितना है, सेंसर होता है, इसे हम बोलते हैं थर्मिस्टर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं थर्मिस्टर, जो कि बैटरी के ऊपर लगा हुआ होता है और ये मेजर करता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ पर जो थर्मिस्टर लगा होता है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी चेंज होता रहता है, जो सिग्नल जाता है प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर उसी के हिसाब से आपको मोबाइल को सिग्नल भेजता है, ठीक है दोस्तों। तो BSI के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले, तो एक होता है इसका नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, एक हो गया BSI यानी कि बैटरी स्टेटस इंडिकेटर और एक हो गया आपका BTEMP। दोस्तों आपको पता लग गया होगा तीन टर्मिनल और चार टर्मिनल में क्या काम होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अभी तक तो सिर्फ तीन और चार टर्मिनल निकला हुआ है, अगर आगे टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होता है या फिर आगे जो है पाँच या छः टर्मिनल वाला बैटरी निकलता है तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक तो टेक्नोलॉजी जो है इतना ही है, तो यहाँ पर चार टर्मिनल तक आ गया है, लेकिन आगे भी हो सकता है पाँच या फिर छः टर्मिनल भी निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।